हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी चस्का। आज हम एक बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक बनाएंगे जो कि होगा फैट फ्री और कार्बोहाइड्रेट फ्री, जो कि शुगर पेशेंट्स और कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर 1 बोल ये हमने ओट्स लिए हुए हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ये हमने ओट्स लिया हुआ है और साथ ही हमने यहाँ पर 1/2 बोल ये काला चना जो होता है उसका आटा लिया हुआ है, और जो कि ये देखिए इस तरह का जो काला चना होता है इसका हमने आटा लिया हुआ है। इसको आप घर में भी ग्राइंड कर सकते हैं या मार्केट में भी इसका आटा इजीली अवेलेबल है। तो जो हमारा ये ओट्स है इसको भी हम घर में अच्छे से पहले थोड़ा मोटा दरदरा इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये फटाफट से ये ग्राइंड हो जाता है। ये हमने मिक्सी से ग्राइंड कर लिया है। इसको भी हम एक बड़े बॉल में निकाल लेते हैं। साथ ही इसमें हम कुछ बहुत ज़्यादा हेल्दी वेजिटेबल्स का यूज करेंगे। इसके लिए हमने ये फ्रेश लौकी ली हुई है, 1 शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और ये करी लीव्स। तो सबसे पहले हम इस लौकी को अच्छे से वॉश करके इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए हमने ये घिया जो लिया है इसको अच्छे से पहले पील करके इसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। देखिए इस घिया को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं फटाफट से। साथ ही देखिए हमने यहाँ पर ये थोड़ी सी ये अदरक साइड से थोड़ी सी ग्रेट कर ली है। हरी मिर्च इसको भी फटाफट से बारीक चॉप कर लेंगे। शिमला मिर्च को भी बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए करी लीव्स इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। हमारी वेजिटेबल्स जो कि सभी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, इसमें करी लीव्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है शुगर पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, सभी बीपी के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये सभी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। बस हमने उन्हीं वेजिटेबल्स का यूज किया है। इसमें हम कैरेट का यूज नहीं कर सकते। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जो घिया है इसको हम ले लेंगे। साथ ही जो हमारी ये वेजिटेबल्स हैं, जिंजर, करी लीफ, कैप्सिकम, ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे चाहें। इनको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छे से। काले चने का आटा 3 टेबल स्पून। साथ ही इसमें ये ओट्स ग्राइंड किए हुए, इसमें हम थोड़े थोड़े कुछ मसाले, वो भी हेल्दी मसाले ऐड करेंगे हम इसमें। ये है 1/2 टेबल स्पून से कम है, ये हमारा भुना हुआ जीरा है, ब्लैक पेपर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ये अमचूर पाउडर है, थोड़ी सी हींग। अगर आपके पास चने का आटा नहीं है तो आप उसकी जगह बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, आप बेसन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन काले चने का आटा बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ये हमने ब्लैक नमक सॉल्ट लिया हुआ है, काला नमक जो कि बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव होता है। थोड़ा सा ये वाइट सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन का भी यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव होती है। साथ ही हम इसके एक बहुत ज़्यादा हेल्दी डिप बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होगी। सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा ये गीला लग रहा है, इसमें अब हम थोड़ा सा ये 2 टेबल स्पून ओट्स हमने इसमें और ऐड किया है। देखिए हमारा डो, हेल्दी डो तैयार हो गया है। थोड़ा सा हल्का हाथ में ऐसे पानी लगाएंगे क्योंकि हम ऑयल और घी का यूज नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी आप लगाएंगे और इसका इस तरह से रोल तैयार कर लेंगे हम। जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। वैसे तो ये सभी के लिए, क्योंकि आजकल
ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, शुगर की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, वेट की, सभी का एक बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, स्टमक फिलिंग भी है ये। ये देखिए हमने अपने 3 रोल्स तैयार कर लिए हैं, आइए अब इनको हम स्टीम करेंगे। देखिए स्टीम करने के लिए हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, आप किसी भी भगोने में, कढ़ाई में, किसी में भी स्टीम कर सकते हैं। ऊपर से जाली रखकर हमने यहाँ स्टीमर रखा है, इसके ऊपर ये अपनी चलनी फिट कर दी है, क्योंकि ये आटा है चने का, ओट्स का, तो इसको कच्चापन भी नहीं रहना चाहिए इसका, क्योंकि हम फ्राई नहीं कर सकते इसको हम। ये देखिए सबसे पहले हम इसको स्टीम करेंगे लगभग 10-15 मिनट तक। ये जब तक हमारे स्टीम हो रहे हैं तब तक हम ये अपनी एक डिप बढ़िया सी तैयार करते हैं, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर ये दही लिया हुआ है, ये रोस्टेड चना लिया हुआ है, चना इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ये हमने करी लीव्स लिए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, अदरक चॉप्ड, ये हमने ग्रीन चिली, थोड़े से रोस्टेड ड्राई रोस्टेड मूँगफली के दाने। तो इनको हम अच्छा सा इसकी डिप तैयार करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी, साथ ही हेल्दी तो होगी ही। तो ये सबसे पहले हम ये अपने चने छिलके सहित डालेंगे, ये करी लीप 1 बॉल 1/2 बॉल चना रोस्टेड, मूंगफली, अदरक और ये ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। इसको हम पहले हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। पहले देखिए हमारा मिक्सर ग्राइंड हो गया है, इसमें अब हम दही जो कि फैट फ्री है, इसकी हमने क्रीम निकाल के, आप डबल टोन दही को घर में ही जमाएं, हमने ये डबल टोन दूध को ही जमाया हुआ है। साथ ही इसमें थोड़े से स्पाइसेस, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, रोस्टेड जीरा, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, थोड़ी सी अजवाइन, हींग, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारी ये डिप कही है, आप चटनी कही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अलग न्यू फ्लेवर के साथ। इसको हम निकालते हैं, साथ ही हमारे ये स्टीम भी हो चुके हैं। इसको हम चेक करते हैं किसी फोक की मदद से, नाइफ की मदद से। ये देखिए क्लीन निकल रहा है, इट मीन्स हमारी ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। इनको लगभग 10-12 मिनट लगे। आइए इसको हम निकालते हैं, आइए इसको हम किसी बोर्ड पर बाहर निकाल लेते हैं और जल्दी से इनको फटाफट से ठंडा करेंगे। देखिए हमारे रोल्स ठंडे हो गए हैं, इसको हम पतले पतले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, अगर ये थोड़ी सी चिपक रहे हो तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं, लगाना चाहें, नहीं तो आप हल्का सा पानी लगाएंगे तब भी ये आराम से कट हो जाएंगे। ये देखिए, या फिर ऐसे ही आप कट कर लें। ये देखिए इस तरह से हम अपने सभी पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने सभी पीसेस कट कर लिए हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरह से स्टीम भी किसी भी चटनी, सॉस, केचप, किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसको और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स के लिए हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर तवे पर करेंगे। हम इसको हल्का हल्का ये नॉन स्टिक पैन पर इसको क्रिस्पी, थोड़ा सा क्रिस्पी टेस्ट देने के लिए इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं स्टीम भी। हल्का हल्का होने पर इसको हम टर्न कर देंगे, थोड़ा से हम इसको ऊपर से ये सीसम सीड्स स्प्रिंकल कर रहे हैं। ये देखिए टर्न करके दिखाते हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए हमारे ये कितने अच्छे कलर, बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो गए हैं। आइए इसको अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए
बहुत ज्यादा टेस्टी हेल्दी। देखिए ऊपर से थोड़ा सा ये हमने चिली फ्लेक्स, अगर आप पसंद करें, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए जो कि टोटली ऑयल फ्री है, फैट फ्री है, कार्बोहाइड्रेट फ्री है, तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।